सर, आज का जो इस वक्त जो जर्मनी में दहशतगर्दी के पिछले दिनों वाकयात हुए और जर्मनी जो हो रहा है, एग्जैक्ट इस टाइम इस फंक्शन को, कल्चरल फंक्शन को कराने का क्या मकसद है? जी देखिए, एक तो खैर इतिहास में सीरीज ऑफ इवेंट्स, जैसे आपको पता है, मैंने अपने कुछ से पहले भी कुछ जब मीडिया से बात की उसमें ये कहा है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक जर्मनी जो कि एक ऐसा बड़ा मुल्क था यूरोप में जो बचा हुआ था टेररिज्म के इस मैनेज से, वो भी इसका शिकार हो रहा है। तो इस वक्त यह है, इस वक्त जर्मनी को और जर्मन अवाम को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो, बिकॉज देखिए इस वक्त वो परेशानी में है, इस वक्त ऐसा माहौल है, बिकॉज ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं इसमें काफ़ी मुसलमान ही थे, और फिर हमारे रीजन से भी एक ने तो शायद इनको था कि अफ़गान है या कहाँ से है, तो बाकी भी जो हैं एक ईरान से है, एक का ताल्लुक है। तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम उन्हें बताएँ कि जी हमारे मुल्क जो हैं ये कोई, वो ऐसी कोई एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटीज़ नहीं है, ये बड़े कल्चरली अलाइव मुल्क हैं, बहुत रिच उनका सिविलाइजेशन और कल्चर है, और टेररिज्म सिर्फ जो है वो उसका ये भी शिकार है। इसलिए आपने देखा मैंने अपनी तकरीर में कितनी देर तक बात की इस हवाले से, जो हमारी पाकिस्तान की सेक्रीफाइसेस हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़, और मैंने इसमें जो है इंडिया पाकिस्तान के जो है इस वक्त इशूज़ हैं और कश्मीर का जो मसला है उसको भी उजागर किया, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए इस वक्त कश्मीर में जो हो रहा था, कि उनके साथ सिंपथाइज़ कर सकें, ख़ास तौर पर इस सिचुएशन में जबकि ये खुद एक मुश्किल से गुजर रहे हैं, एक सिक्योरिटी इशू को फेस, एक टेररिज्म को फेस कर। सर, इसका आपकी नज़र में इसका फ्यूचर में क्या हल है? किस की जो टेररिज्म दहशतगर्दी की पर काबू पाने में क्या हल है, पाकिस्तान क्या रोल पैदा कर सकता है? देखिए, दहशतगर्दी के एक बहुत बड़ा मसला है दुनिया को, एक चैलेंज है इस वक्त, 21वीं सदी के जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें दहशतगर्दी का जो मसला है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इसके लिए एक मल्टीफैसेटेड अप्रोच होनी चाहिए इससे निपटने के लिए, उसमें कुछ वो एलिमेंट भी हैं जो काउंटर टेररिज्म के मेजर्स आते हैं, जिसमें कि आप इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको ख़त्म करें, इस तरह के जो उनके नेटवर्क्स हैं उनको तबाह करें, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसको ख़त्म करें। इसमें जो पाकिस्तान ने किया है, हम तो रोल मॉडल इस वक्त दुनिया के लिए बन सकते हैं, बिकॉज जो पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पर हमने अचीव किया इस ज़रब अज़ब में, और उसके बाद आप देखें पाकिस्तान में टेररिज्म 90% तक जो है उस पर काबू पा लिया गया है, और अब शाज़ो नादर ही वो वाक़ियात हो रहे हैं, और उतने ही हो रहे हैं जितना कि बाकी किसी मुल्क में इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं। तो वो एक मिसाल हमने कायम की है, हमने बताया कि किस तरह से, और हम तो इनसे बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे इसको फेस कर रहे थे ना, तो इसका हल जो है वो मल्टीफैसेटेड है, उसमें इस जो है इसकी पुलिसिंग, बेटर पुलिसिंग भी है, काउंटर टेररिज्म मेजर्स भी हैं थ्रू डिस्ट्रॉइंग दीज नेटवर्क्स, इनकी फाइनेंसिंग ख़त्म करें, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप डिप्लीट करें, पर इसके साथ साथ ही दूसरी साइड है ऑन द पॉजिटिव साइड, आप ऑन द कंस्ट्रक्टिव साइड ये भी करना है आपको कि वो इश्यूज़ को ख़त्म करना है जिनकी वजह से ये डिप्रिवेशन पैदा हो रही है। हमने कल्चरल ब्रिजेस बनानी है दुनिया के मुख्तलिफ एथनीसिटीज़ के दरमियान, पीपल्स के दरमियान, जो मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम है, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी है, फिर ख़ास तौर पर इंटरफेथ हार्मनी का बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त रोल है, बिकॉज एक दूसरे के बारे में जब आप कम्युनिकेट नहीं करते, जब एक दूसरे के बारे में आपको कुछ जो है ना मिसट्रस्ट पैदा होता है, और मिसट्रस्ट क्यों पैदा होता है, इसलिए कि कुछ बदगमानियाँ होती हैं, मिसपरसेप्शन जिसको हम कहते हैं, तो वो मिसपरसेप्शन दूर करने की ज़रूरत है, तो उसमें ये कल्चरल डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कल्चरल डिप्लोमेसी जो है उन्हीं मिसपरसेप्शन को दूर करने के लिए है, उन्हीं ब्रिजेस को बनाने के लिए है, ताकि एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।